आज पवित्र कार्तिक मासर शेष दिन बिंदुसागर में लगी बोईत बंदाणी मेला बहु संख्यार श्रद्धालु तथा भक्तों एठार मेला लगी देखा मिलू बहु संख्यार लोक राति अधर आसी एठार बोईत बंदाण कर आज चंद्रग्रहण लगुवर पांच घटिका 54 मिनिट पर यह सब बंद हो पाकत्याग नीति आरंभ हो तेणु लोकंर एठार गहली देखा मिलू कार्तिक मास कहले धर्मर मास बुझा जाए वर्षटा जाकर पाप यही मसक क्षय होता नहीं लोकंर विश्वास रही एने लोके बहु धर्मर सहकार यसर पालन करंचुकर पंचम दिन अर्थात कार्तिक मासर शेष दिन एठार अनेक संख्यार लोक आसी सका बड़ी भोर बोईत बंदाण करने धर्मर मास को विदाय देउछंती वर्ष नहीं प्राय तीन वर्ष हम दु वर्ष होता कि आर वर्ष आम यही वर्ष आसलु से बहुत खुशी लगी कि अधिक खुशी लगे क्या कोरोना पर एत सारे लोक ये एकाठी होती आमको विदाय देवाई यहाँ देखिए बहुत खुशी लगे आम साधव भौणी मैंने आप देखे आसते ना आगर भी बहुत थर आई परंपरा तो सही रही साधव भौणी जाते बाहर को बोईत बंधे आसते फेरिक बोईत बंधे साधव भौणी मैंने ठिया जाती आमे तो बहुत आम तो छः मस धरी बाहर बस रही जाभा सुमित्रा आदि देश में मसला आदि सुना कारबार करी घर को फेरी आसता सुना आदि परंपरा धरिकी से ही परंपरा को बजाय रखापे आम ही कार्य करता कार्यक्रम आस महामंत्री मैंने भल भल लोक मैंने सब आमको ये उत्साहित कर सब भल कथा हूँ कि आम ये समस्त सम्मान कर आदर्श दौरान बहुत मैंने दुई वर्ष पर्यंत बंद था दुई वर्ष पूर्व भी आम आसते एवं भी आम आसपाई आम बहुत खुशी लगुच भाग नहीं थवर आम जाभा सुमित्रा सब वाणिज्य कर सुना रूपा हीरा मोती सब नहीं कर मानने सांस्कृतिक तेर बार मस तेर पर्व जमी बजाय रखापी यहाँ गोटे महान पर्व से पर्व में किसी भाग नहीं थोड़ी मुझे भल मन मत बहुत खुशी लगुच कार्तिक पूर्णिमा करोना महामारी पर एत वर्ष पर भल पालन हो पार बहुत आडम्बर सह पार एम बहुत खुशी साधव भोग साजि थी मुझे बहुत खुशी अनुभूत करुच्छे अतीत शुणा को पाई जे आमर इतिहास कौच वाणिज्य व्यवसाय उद्देश्य वाणिज्य माने वाणिज्य कर उद्देश्य व्यवसायी मैंने आम ओडार बहुत दूर स्थान को जा यात्रा करते दिवस धर्मपत्नी मैंने साधव बो साजी तुम शुभकामना अनुजाई आड़ती दौले प्रथम गल भल लगुच बहुत 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 लागुच बहुत बढ़िया लागुच नुआ कौन ए बर्ष मो झी आसी जो बोईत बसापी आस भल लगे मेयर मैंने सब आस मंत्री मैंने भी आस बहुत भल लगे लिंगराजंकर बिंदुसागर इे बहुत भल लगे आज्ञा हाँ टे अधिक समय आम रही बहुत मानने आनंद नहीं था पार्वन शीघ्र पल घर को ओडिया जाति शिखेला से जाभा बन्य सुमित्र को जो जाते नदी पारी इते सात समुद्र तेर नहीं पारी से बेले ओडिया जातिर जो वाणिज्य परंपरा लक्ष्मी आसते गोटे समृद्ध जाति पृथ्वीर प्रथम जे परंपरा जरिया सारा पृथ्वी को आलोकित कर तार अनुसरण करी परंपरा को लेकर आज ए महोत्सव तेरे ए महोत्सव विपुल लोक प्रत वर्ष हुए वर्ष भी हो तेणु स्वागत संभाषण एवं बिंदुसागर से बड़ी एत पवित्र बिंदुसागर तारी तरफ जो लोकल एमपी एमएलए आम एमएलए आम मंत्री सब जो बाहर सब ये उत्सव को पालन कर लोक मानते प्रेरणा एवं आज उत्सव महाप्रभु लिंगराज समस्त बोईत आसला बेलू मत लगे ये कार्यक्रम ये जो सभा तुम पहुँची जाए
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଅତୀତ ଦିନରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇ ଐତିହ୍ୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ସହ ସାଧବ ସାଧବାଣୀ ବେଶରେ ଆମେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆହୁରି ରୁଜିବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 12 ମାସରେ 13 ଜାତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ, କାରଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମାସରେ ଆମେ ମାସ ଶେଷରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ସେଇଥିଲାଗି ଆମର କଥିତ ଅଛି ଆ କା ମା ଭାଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସ ଧର୍ମ ମୋର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ହବିଷ କରିଥାନ୍ତି, ଆକାଶ ଦୀପ ଉଠିଥାଏ ଯାହା ଆଜିକାଲି କମିଗଲାଣି, ଆକାଶ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ଶାକ୍ତ ଭୋଜନ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି, କାରଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସମୟରେ ସାଧବମାନେ ଯେଉଁ ପାଲଟଣା ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ପବନର ଅନୁକୂଳରେ ଯାବା ସୁମତା ବନ୍ୟ ବାଲିଦ୍ୱୀପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉତ୍କଳକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଗ୍ଲୋରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ସିଏ ଦୌଳିଠାରେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ତାହାକୁ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ବିଭୀଷିକା ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକ ପରିଣତ କଲା ଏବଂ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦୟାନଦୀ କୂଳରୁ। ଇଏ ଏକ ଏଭଳି ପୀଠ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବୌଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ସେଠି ମହାମହିମ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଲିପି ହୋଇଛି, ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲିପି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଏ ସବୁ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ମିଶିକିରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ପରମ୍ପରା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଆଉ ଅତୀତକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ସଦାବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ହିଁ ଦେଖୁ, କାରଣ ପଛକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଟିକିଏ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମନରେ ଟିକିଏ ଅନୁଶୋଚନ ଆସେ। ତେଣୁ ଆଉ ପଛକୁ ନ ନେଇ ଆଗକୁ ଯିବା, କାରଣ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକାମ୍ର ହେରିଟେଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହା କେତେଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା, ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଏବଂ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋର ଆଶା ଆମେ ସେତେ ସଫଳ ହେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ହୋଇପାରୁନଥିଲା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ଏକମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 67 ଯାକ ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ 11 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆଜି ବିନ୍ଦୁସାଗରଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମେୟର ମହୋଦୟ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠାରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲିଯାତ୍ରା ବି ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖୁଥିବେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ପୁରା ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ବାବା ସୋମନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଆଜିଠାରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟଲ୍
प्राय 600 पाखापाखि स्टल व्यवस्था कर 16 तारीख पर्यंत ये उत्सव पालित हो रही देखो आरंभ हवा पूर्व आम डीसीपी एवं कमिश्नर समस्त सहित आलोचना मध्यम कि भाव में ट्राफिक व्यवस्था कर ट्राफिक व्यवस्था को श्रृंखला सहित करा ही आम मूल लक्ष्य था जेहेतु मंचेश्वर उपकंठरे कुआखाई उपकंठरे पठारे यहाँ अनुष्ठित होतीपाई ट्राफिक समस्या को आधार करके आम बहुत दुई तीन थर आम मीट कर डीसीपी समस्त प्राय जा साइट भिजिट करते आज पवित्र दिन में ये कार्यक्रम आरंभ हो कि भाव में संपूर्ण हम और भलि संपूर्ण हम से आम मूल लक्ष्य रही आज ये एत बड़ दिन में राति तीनटे आम देखु तीन टा न दुईटार देखु आपठी परिश्रम कर आम मानी बहुत बहुत धन्यवाद दु वर्ष होगा करोन आपंस समस्ते आम घर बसलु नीति निम सब बंद था ये सुजोग आम भगवान आमको देखते व्यतीत तो के असंभव प्रभु लिंगराज आशीर्वाद था आम सका दुटार उठिकी बैध बंदन कलु नीति निम सब पूजा प्रचन पूजा अर्चना कलु सब प्रभु आशीर्वाद में बहुत खुशी अच्छु बहुत खुशी कहना दु वर्ष होगा बंद हो पड़ता आशीर्वाद में सब घटना घटीगला बहुत भल रहा बहुत भल रहा राति दुटार उठिकी नित्यकर्म सारिकी बोत भसाण कलु दया नदी में आस प्रभु लिंगराज को दर्शन कलु पांचटा चौवन रही दुई वर्ष है करोन आम मैंने मंदिर बंद था इविन कार्तिक पूर्णिमी आम प्रत वर्ष जो बिंदुसागर मानने कम बही कही आम जो बईत बंदन करूँ सब बंद था तो आम मैंने बहुत ही एक्साइटेड थी ये वर्ष केमती आम सुरखुरी में सुंदर भाव में बिंदुसागर डंगा भसेबू तो समस्ते डंगा भसेलु कितु ए वर्ष बर्षार शेष चंद्रग्रहण पड़गला तो सैटा टी प्रोब्लेम है बट आम सब रात उठिकी नीति निम अनुसार देवनीति जहाँ थी जगन्नाथ ये जहाँ आसी आमे ताकू सब मान सुरखुरी पालन करूँ सब दर्शन सारी भगवान को दर्शन कर भोग भी तीन टार के लगे एक्चुअली तो से कि मत आत अवशोष ना दर्शन कर दे चुके बुलाबूली करूँ जेहतु घर पाखर आम मंदिर पाखर ए बुलाबूली करके घर को जीव आज्ञा बर्तन पूजा भोग बंद अच्छी दर्शन अच्छी कि भोग थी पांचटा चौवन जे प्रभु ये भोगराग सब हाँ मु बहुत माने मु कार्तिक मास पूरा माने बहुत माने मानिकी करे नन भेज माने नन भेज खाए नहीं तो प्रति सोमवार मंदिर आसे लिंगराज मंदिर जस्ट आम पाखे रोचु तो ए वर्ष भी बेसी एक्साइटेड थिलु कि आम दु वर्ष पर करोना बिंदु सार बंद था तो ये मानने बैत बंदन करूँ केमती तो जेहेतु से पूर्वपुरुष जाभा सुभद्रा देते आमर बेपार वणिज कर स्मृति को आम बारम पुनरुद्धार करने सब चेष्टा कर आगक चलो हाँ टिके रही है सूर्य पराग जमी आम दीपावली रहा आम आगदिन सेलिब्रेशन करा पड़ा तो ये सही सेम जिन तो आमको पूर्वदिन सेलिब्रेशन करा पड़ा ठीक अच्छे आम एत भी अफसोस ना तो यहाँ तो आम मानने नैचुराल फेनोमेनम ना तो से आम मानिक सब जिनस को चलू आ देवनीति जहाँ मानने आमर आसी आम से ये करूँ तो किए भेज खाइला किए नन भेज खाइला से डिपेंड करे पर मनीषर निजर साइंटिफिक कज अनुसार से कहते अनुसार से भी ठीक अच्छा आम पूजा पाठ को मानुचु आम आम अनुसार ठीक अच्छे आज्ञा हाँ से मुझे न्यूज भी देखी भी ना मुझा विरोध करे समस्त शुभकामना करी समस्त मंगलमय हो समस्त जीवन सुखमय हो पृथ्वी से समस्त खुशी रुहतु करोना पूरा लोप पाई जाऊ कि बहुत माने बड़ बड़ लोक माने अच्छा जो माने कि डिस्कशन डेली आसुचान टीवी से माने कह हाँ तो आम से मैंने देखुच आम आम कौन कर पर्सनाल समस्त निज निजर मतव्यक्त करेंगे जी जार जहाँ को जहाँ पसंद से अनुसार चल आम भोर उठिकी जल्दी पलैसी जमी पाँचटा चौवन पूर्व काम सर दर्शन सारिकी भोगरा करू से अनुसार टाइम अनुसार सब सर डंगा बसे डंगा बिंदुसागर बसेलु लिंगराज दर्शन सारिकी घर को जा दर्शन करी लोक खाली जीवे
ग्रहण से ही तो दुख आज गोटे दिन के बहुत सारा जिन कि जो अनुसार चलते से अनुसार करवाक तो पड़ो रीति नीति अनुसार सब सर टाइम अनुसार सब सर पूजा कैसा लग रहा है आपको? मेरे को मजा आ रहा है। कैसा लगा इस साल का जो दीपावली आपको? मेरे को बहुत मजा आया और यहाँ पे बहुत भीड़ है सुबह सुबह से। और आज मैं आप सबको देव दीपावली के बारे में बताने जा रही हूँ। कार्तिक महीना के तिथि भगवान राम का स्वागत और माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन दीपदान का खास महत्व है। कहते हैं कि जो संध्या काल में दीपदान करता है उसे शत्रु का भय कभी नहीं सताता। आइए जानते हैं कैसे करें दीपदान। सुबह देव दीपावली के समय ब्रह्म मुहूर्त के समय किसी पवित्र नदी में स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद श्री हरि विष्णु तुलसी माता शिव की पूजा करना चाहिए। संध्या काल में 11 51 21 या अपने अक्षम से दीप प्रज्वलित करें। इन्हें नदी या तालाब में छोड़ें। धन्यवाद। इतना सब ज्ञान आपको कहाँ से आया? मैं थोड़ा सा सोच के बोली। कैसा लग रहा है आके इधर आके? मेरे को आके बहुत मजा आ रहा है। मैं यहाँ पे आई हूँ 5 o'clock। बहुत भल लगिला। मास सारा पूरा हबिष करके रही बहुत भल लगला। ठाकुर को दर्शन पूर्णमी से कलु बहुत खुशी लगुच समस्त सागर चंद्रग्रहण बेसी समय दर्शन नाई तेणु से टे मन दुख तथापि अंधार उठिकी जाकि डंगा भसईकी आसिकी आम तीन टा रात जाइल कुआखाई से डा फंगा भसईकी आसिकी पिला इे दर्शन करूँ बहुत खुशी लगुच। जहाँ आपण माने देखि परुथिले कि बिंदुसागर रे लागिछि लोकंकर मेला प्रत्येक वर्ष भरी ए वर्ष मध्य लोकंकर भितर गोटे आशा रहितला कि आमे बोइत बंदाण करिवु। भुवनेश्वर सांस्कृतिक परिषद पक्षरु ए वर्षर बोइत बंदाण बिंदुसागर ठारे आयोजित करा जाइतला जोंठी कि बहु संख्या रे भक्तंक समागम लागितला। बडी भोरु आसी बहु सकाळु आसी लोकमाने जहाँ आपण सुनुथिले कि लोकमाने एठारे बोइत बंदाण करिछन्ती भगवानकर आशीर्वाद नउछन्ती। बर्तमान आमे अछु लिंगराज मंदिर सम्मुखरे जोंठी कि भक्तमाने बोइत बंदाण करि सारिबा परे भगवानक दर्शन करुछन्ती। आज चंद्रग्रहण रही सत मात्र लोकों भितर से उत्साह कमिनी कि आम बोईत बंदाण करूँ ना कि लोकों भितर अनेक आशा रही। भुवनेश्वर सांस्कृतिक परिषद पक्षर जो बोईत बंदाण उत्सव आयोजित करठार अनेक संख्यार मंत्री मैंने आगदे आम बहु पुरतन मंत्री तथा सांस्कृतिक परिषद मंत्री मैंने जोगदे एठार उपस्थित या भक्त मानक उत्साहित करते एक सांस्कृतिक मनोरंजन सभार आयोजन करोटी बहु संख्यार गीतिकार मैंने आसी निजर कला प्रदर्शन करुते लोकों गहली भितर ए बर्षर बोईत बंदाण उत्सव पालन करा को देखापी बहु संख्यार लोकों भिड़ लगी बोईत बंदाण करने निम्ते बहु संख्यार लोक आसी एठार बिंदुसागर ठारे उपस्थित रही है। चलित बर्षर जो भाव में चंद्रग्रहण को नहीं कटक रही जो प्रकार पाकत्याग नीति रही सर्वमुखर नीति रही लोक मैंने बे धूमधाम सहकारे पालन करुँचार परंपरा रीतनीति उत्कल जो नौवाणिज्य परंपरा रही आज उज्जीवित कर रखिंट आमर यह सांस्कृतिक परिषद तेणु जहाँ आपण मैंने देखुले कि सांस्कृतिक परिषद पक्षर ए बर्षर नौवाणिज्य परंपरा को उज्जीवन करने निम्ते विभिन्न प्रकार आयोजन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत लोक मैंने किपर सुरक्षित भाव बिंदुसागर बोईत बंदाण करें परवर्त प्रक्रिय लिंगराज आसी दर्शन करेंगे से नहीं प्रशासन पक्षर व्यापक प्रस्तुति कर लोकों सुरक्षा को दृष्टि रखि चलित बर्ष बे धूमधाम पालन कर भुवनेश्वर में बिंदुसागर बोईत बंदाण उत्सव। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन तुलसी प्रधान सह शुभस्मिता पंडा रिपोर्ट संवाद डिजिटल।